तो दोस्तों, अगर आप जियोमी या रेडमी का कोई भी मोबाइल यूज़ करते होंगे तो आपको एक ये प्रॉब्लम देखने को मिलता होगा, हैज स्टॉप या कीप स्टॉपिंग का एक प्रॉब्लम मिलता होगा आपके ऐप्स में। तो जब भी आप कोई ऐप्स को अगर ओपन करते हैं तो आपका मोबाइल में कीप स्टॉपिंग का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। तो ये बग्स दोस्तों आपके जितने भी रेडमी के पुराने डिवाइस है उसमें आपको देखने को मिलते हैं, और नए डिवाइस है उसमें भी देखने को मिलते हैं। तो आपके मोबाइल में अगर सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है उसके बावजूद भी ये देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आखिर ये देखने को कैसे मिलता है और इसको आप कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इसी के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, इसके लिए आपको कोई भी आपको ऐप्स को जो यूट्यूब में दिखाया जाता है कि जिस ऐप में प्रॉब्लम आ रहा है उसी ऐप को स्टॉप कर दे, वैसा मैं कुछ नहीं बताऊँगा। ये आखिर कारण क्या है इसका आने का, वो आपको टोटल में क्लियर करूँगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि इस प्रॉब्लम से कैसे आप सॉर्ट आउट हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि रेडमी के जितने भी डिवाइस होते हैं उसका अपना खुद का एक सिस्टम यूआई होता है, और उस यूआई पे ही ये टोटल ऐप्स रन करते हैं, और उस यूआई में ही आपको इस ऐप्स को टोटल पैकेज करके आपको दिया जाता है। तो दोस्तों, प्रॉब्लम चालू होती है वहीं से। तो इसमें होता क्या है कि आप देखते होंगे कि ये जब भी आपको ये इस प्रकार का बग्स देखने को मिलता होगा तो ये आपको बोला जाता होगा कि आप इसको फीडबैक दें एमआई में। तो दोस्तों, एक्चुअली में क्या है कि अगर ऐप्स में प्रॉब्लम हो तो एमआई इसका फीडबैक नहीं लेगा। एमआई में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तभी एमआई आपसे फीडबैक लेता है ये स्क्रीनशॉट को। तो दोस्तों, इसको सॉर्ट आउट कैसे करना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए मैं इस सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, और इस सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले नीचे में जाना है, और नीचे में जाने के बाद एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा मैनेज ऐप्स का। तो इस मैनेज ऐप्स पर आपको क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको एक यहाँ पे सर्च करना होगा। चलिए वो सर्च क्या करना है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ पे ऊपर में जो सर्च का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको टाइप करना है सिस्टम यूआई। तो आप देख सकते हैं ये जो सिस्टम यूआई देख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों, मैंने इसको पहले बहुत बार किया तो मेरा ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होता है, इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर करो। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा क्लियर कैची का, तो इस सिस्टम यूआई के जो क्लियर कैची है इसको आपको क्लियर कर देना है और इसको ओके कर देना है। ये अब करने के बाद उसके बाद आपको फिर यहीं पे एक और सर्च करना है, वो क्या सर्च करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम इसको अगर आप सर्च कीजिएगा तो आपका 100% जो ये प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, और आप देखिएगा कि आपका ये प्रॉब्लम फिर आना बंद हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको एक टाइप करना है पैकेज। तो चलिए मैं यहाँ पे टाइप करके आपको दिखाता हूँ पैकेज। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे पैकेज इंस्टॉलर का, तो एक आपको क्लोन वर्सन मिलेगा और एक पैकेज इंस्टॉलर मिलेगा। तो इस दोनों ऐप्स के भी आपको यहाँ पर कैची को क्लियर कर देना है। तो चलिए इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, और ऊपर वाले को भी मैं क्लियर कर देता हूँ। अब अगर इस दोनों क्लियर ऑल डाटा को अगर आप क्लियर कर देते हैं तो दोस्तों, उसके बाद आपको इस प्रकार का जो बग है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप इसको हफ्ते भर भी यूज़ कीजिएगा तो आपको ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तो जब भी आप कोई भी अपने मोबाइल में ऐप्स को अपडेट करते हैं तो इस काम को आप ज़रूर कर लें, और मैं आपको गारंटी देता हूँ 100% कि ये प्रॉब्लम आपको अपने मोबाइल में नहीं देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।